नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत। दोस्तों 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट जो है कभी भी पुलिस के सामने नहीं किया जाता, और इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 161 का जो स्टेटमेंट है उसकी लीगल वैल्यू यानी सब्सटेंटिव वैल्यू नहीं होती, और पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है उसके ऊपर में हमेशा ही ऐसा रहता है कि कहीं दबाव में या फिर मारपीट के लिया गया कोई स्टेटमेंट तो नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जो स्टेटमेंट 164 का है वो जज साहब के सामने लिया जाता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन दोनों के सामने ये स्टेटमेंट लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। दोस्तों 164 सीआरपीसी का जो स्टेटमेंट है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी अभियुक्त या फिर विक्टिम या फिर कोई भी विटनेस अपनी स्वेच्छा से दे सकता है। वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकता है। दोस्तों जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लेने से पहले को जज साहब जो हैं उस व्यक्ति से ये एक बात की पहले ही तस्दीक करवा लेते हैं कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो इस स्टेटमेंट का आपके खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है। अगर वो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति डिनाई कर देता है तो फिर वो स्टेटमेंट वहाँ पे जज साहब नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट स्वेच्छा से दे रहा है बिना किसी दबाव के दे रहा है तो ये चीज़ें रिकॉर्ड में ली जाती है, और रिकॉर्ड में लेने के बाद में उस व्यक्ति का स्टेटमेंट लिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों जो विक्टिम होता है विक्टिम का स्टेटमेंट भी कोर्ट जो है जज साहब अपने सामने लेते हैं, और उनसे भी पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनकी मनस्थिति देखी जाती है कि व्यक्ति वास्तव में स्टेटमेंट देने लायक है या नहीं है। उस तरह के कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी को रोका जाता है यानी कि उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है, उसके बाद में जो है उससे स्टेटमेंट लिया जाता है, और जो स्टेटमेंट जो दिया जाता है उस स्टेटमेंट की वैल्यू होती है एविडेंटरी वैल्यू होती है यानी कि सब्सटेंटिव वैल्यू होती है, और उस स्टेटमेंट के बाद में वो व्यक्ति उससे अगर मुकरता है तो फिर वो उसके खिलाफ ही जाता है। तो इस तरह से 164 का जो स्टेटमेंट है वो जज साहब के सामने स्वेच्छा से दिया गया स्टेटमेंट है, किसी तरह का दबाव में दिया गया स्टेटमेंट नहीं होता। लेकिन विक्टिम के केस में पुलिस जो है वो विक्टिम को उस कोर्ट में लेके जाती है जहाँ पे उसका स्टेटमेंट होना है, और उस स्टेटमेंट में वो जो जो बातें कहती है वो रिकॉर्ड में लिखित होती है, और उस बातों के ऊपर ही जो है प्रोसिक्यूशन आगे अपनी ट्रायल चलाता है। जो 164 का स्टेटमेंट है उसकी सब्सटेंटिव वैल्यू होती है जो कन्फेशनल होता है, अगर कन्फेशनल नहीं है तो फिर उस स्टेटमेंट को भी कॉरोबोरेटिव ढंग से प्रूफ करना ज़रूरी होता है। तो 164 के तहत जो दिया गया स्टेटमेंट है वो जज साहब के सामने यानी MM या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने दिया जाता है, और उसकी जो है सब्सटेंटिव वैल्यू होती है जिसको कि प्रोसिक्यूशन बेस बना के आगे अपनी ट्रायल करता है। तो ये था डिस्कशन 164 सीआरपीसी के तहत। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।